अच्छा यार, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। उसको मैं खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है और मॉड्यूल कैसे लगा होता है और कॉइल कैसे लगी होती है, ठीक है। ये इसका पेच एक ही लगा हुआ है, किधर होता है, ठीक है, वो नहीं है। ये इसका कैप बाहर आ गया। ये इसका रूटर है, ठीक है, ऐसे खींचने से उतर जाता है। इसका ये कट बना हुआ है, कट के अंदर ये कट ऐसे लगता है, ठीक हो गया। अब ये लगा हुआ है इसका मॉड्यूल, ठीक है। एक ये पेच 8 नंबर का और एक इधर लगा होता है, वो नहीं है, ठीक है। ये दोनों पेज खोलें तो मॉड्यूल बाहर आ जाता है। ये आपकी कॉइल की ग्रिप है, ये निकालेंगे ऐसे, ये कॉइल की तार बाहर आएगी, ठीक है। ये कौन सी कॉइल है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर होती है, वो जो मैंने उसमें बताई थी शायद कि 12-1300 रुपये की मिलती है, वो कॉइल है, ठीक है। ये ऐसे लगी होती है इधर, ठीक हो गया। अब इस कॉइल को चेंज करने का तरीका क्या है, वो ये है कि आपने इसको ये लॉक बना हुआ है ऐसे निकाला इसको, ठीक है। नीचे कुछ चीज़ रखे, गोटी वगैरह, यहाँ से कील से ये निकालेंगे लॉक, ये वाला, ये दूसरी तरफ निकल आता है, ये निकल गया। उसके बाद ये चीज़ बाहर आ गई और ये शाफ्ट अंदर घूमती है, ये बाहर आ जाएगी तो कॉइल आपके सामने आ जाएगी। कॉइल के ऊपर एक लॉक लगा हुआ है, वो उतारना है आपने और दोबारा नई कॉइल रख के उधर फिट कर देनी है। इसमें सबसे बड़ा आपने ये ध्यान रखना है कि ये आप गौर से देखें इसको, इसकी एक साइड ये छोटी है, ठीक है, और एक बड़ी है, ठीक है। ये जिस साइड बड़ी साइड होगी ना, उधर से ये कट जो है ना, ये डिस्ट्री यहाँ पर रोटर फंसता है, ठीक है। ये कट जो है इसकी तरफ, ये बड़ी साइड रखनी है। अगर ये साइड इधर आ जाती है तब ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, मिसिंग करेगी। ये सबसे बड़ा इसमें ख्याल आपने रखना होता है। बाकी सिंपल है सारा कुछ, सामने चीज़ें, दो चार चीज़ें लगी हुई हैं, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है।